दुनिया के सबसे भयंकर जंग का मैदान बन चुकी गाजा पट्टी। हवा में बारूद का गुबार, जमीन पर मलबे का पहाड़, आसमान से बरसते बम, चिंगाड़ मारती मिसाइलें और जमीन पर जिंदगी की जंग में जुटे वो तमाम लोग जो भूखे पेट और घायल जिस्म लिए किसी तरह एक वक्त का खाना और पानी हासिल करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। गाजा अब अफसोस का सिलसिला बन चुका है, जख्म नासूर बन चुके हैं, मरहम फिलहाल दूर दूर तक नहीं है। शांति को लेकर सौदेबाजी बंदूकें तय करने में जुटी हुई हैं। अब उसी गाजा की किस्मत में एक नया मोड़ आ रहा है। अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर गाजा जंग का एक नया मैदान बन जाएगा, जहां परमाणु ताकतें एक दूसरे पर हमला करेंगी। दरअसल एक बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से आ रही है। पाकिस्तान अपनी फौज को गाजा पट्टी भेजने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के इस प्लान को मंजूरी दिलाने के लिए पाकिस्तानी नेता सऊदी अरब की चौखट पर खड़े हुए हैं। पाकिस्तान दरअसल तबाह हुए गाजा के इलाके में अपनी फौज को स्थापित करना चाहता है, ताकि उसे वहां के पुनर्निर्माण, बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और फूड सप्लाई का अंतर्राष्ट्रीय ठेका मिल सके। पाकिस्तान को लगता है कि गाजा में पाकिस्तानी आर्मी की तैनाती से पाकिस्तान की वैश्विक मौजूदगी मजबूत होगी। साथ ही पाकिस्तान को यह भी लगता है कि सऊदी अरब के सहारे अगर उसकी सेना गाजा में फिलिस्तीनियों की मदद के लिए तैनात होगी तो उसके और सऊदी अरब के रिश्तों में सुधार होगा। यहां गौर करने वाली बात यह है कि विदेश नीति के मामले में पाकिस्तानी सेना ही सभी फैसले लेती है। पाकिस्तानी सेना की स्वतंत्र शैडो नीति पर पाकिस्तानी सरकार और संसद का कोई जोर नहीं होता है। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल असीम मुनीर गाजा में सेना की तैनाती को लेकर सऊदी अरब से सीधी बातचीत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना इन दिनों बड़ी मात्रा में यूक्रेन को गोला बारूद भी भेज रही है। ये गोला बारूद ब्रिटेन के रास्ते यूक्रेन पहुंच रहा है। माल आपूर्ति के लिए पाकिस्तानी सेना के तहत काम करने वाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां दिन रात काम कर रही हैं। पाकिस्तान की सेना स्वतंत्र शैडो नीति के तहत यूक्रेन को हथियार पहुंचाने का काम कर रही है। पाकिस्तानी सेना दरअसल सऊदी अरब के साथ गाजा में शांति दूत के तहत काम करेगी। गाजा के हालातों के चलते वहां पर इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स भेजी जाएगी। फिलहाल गाजा पट्टी में पाकिस्तानी फौज का ऑपरेशन सिर्फ फूड सप्लाई तक ही सीमित रहेगा। गाजा में रीबिल्डिंग के लिए फिलहाल पाकिस्तानी सैनिक नहीं जाएंगे, लेकिन साफ है कि ये विकल्प खुला रहेगा और भविष्य में इस दिशा में भी कोई ना कोई फैसला लिया जाएगा। फिलहाल पाकिस्तान की कोशिश है कि किसी भी तरह गाजा पर कदम जमाए जाएं। तो समझ लीजिए कि किस शदीद तरीके से। दूसरी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश है। ऐसे में गाजा में पाकिस्तान की मौजूदगी इसराइल को दूसरा संदेश देने के काम भी आएगी। भले ही पाकिस्तान की सेना वहां सिर्फ फूड सप्लाई का काम देखे, लेकिन धीरे धीरे पाकिस्तानी सेना और सऊदी अरब गाजा में पैर जमाने का काम करेंगे, जो इसराइल के लिए नई चुनौती पैदा करेंगे।